नमस्कार, अब खबर जालौर से। एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव के निर्देश दिए जाने के खिलाफ दलित संगठनों ने भारत बंद के दौरान सोमवार को आहोर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करने को लेकर कई स्थानों पर झड़पें हुई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने दलितों पर लाठीचार्ज किए व आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें माहौल बिगड़ गया। यहाँ के व्यापारियों और पुलिस की प्रशासन की मिली भगत से दलितों पर लाठी लेकर टूट पड़े, जिससे पत्थरबाजी हुई, दलितों की कई बाइकों को तोड़ा। स्थिति पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई, जिससे स्थिति में सुधार हो सके। पर धारा 144 लगने के बावजूद भी शहर में आरएसएस व बजरंग दल द्वारा रैली निकाली गई। ये कैसा कानून है? यहाँ पर तरफ हर प्रशासन धारा 144 लगने की बात करते हैं और दूसरी तरफ रैली निकाली जाती है। जालौर से चैनल लाइव के लिए जसराज बुच्छल पाचोटा की स्पेशल रिपोर्ट।